दहलाया, सर फिक्रों को उड़ाया, एक बैग बिस्की दहलाया। अरे यार, डैड ने भी कहाँ फंसा दिया है मेरे को। सुबह से निकला हूँ, पैसे लो, पेमेंट्स लो, कितना मुश्किल है यार काम। सो डिफिकल्ट यार, सो डिफिकल्ट मैन, सो डिफिकल्ट। प्यास लग रही है मुझे बहुत जोर से, एंड आई वांट सिगरेट वेरी बैडली। कोई दुकान मिल जाए यार अच्छी सी। ओ वो रही, को ठंडा वंडा है क्या? एक क्लासिक माइल्ड भी दे देना, एक एक पेप्सी या कोक। अरे भैया क्या बताएं तुम्हें, बच्चे फरमाइश पे फरमाइश करते रहते हैं और हम पूरी नहीं कर पाते। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी एक का दाखिला कराया स्कूल में, स्कूल की ड्रेस इतनी महंगी हो गई, कहाँ से लाया भैया इतना। बाजार में फल लेने जाऊँ ना, रोना निकल जाता है। 200 रुपए का सेब कहाँ से लाएं, कहाँ से। 200 रुपए तो पूरे दिन की आमदनी होती है। और ब्रदर और क्या हो रहा है रौनित? बस सब लोग आए हैं, आओ बैठे, आओ चलो देखें। हेलो ब्रदर। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? फाइन ब्रदर, रफीक, दैट्स इट। और क्या हो रहा है? वी आर मेकिंग प्लान्स फॉर बैंकॉक यार, यू आर इन। आई डोंट नो हाउ, यू हैव टू कम। आई विल ट्राई मैन। और क्या हो रहा है? ट्राई, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई? पार्टी करेंगे यार, मस्ती करेंगे, फन होगा, इट विल बी फन। फन, व्हाट डू यू मीन बाय फन मैन? फन तो मैं अभी देख के आ रहा हूं रोड पे, जो लोगों के साथ हो रहा है। मेरा दिमाग, मेरा दिल इस टाइम दोनों अलग ही चल रहे हैं। उन बच्चों की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही हैं, उन लोगों की शक्ल बार बार मेरी आंखों के आगे आ रही है। तो अब तो मदर टेरेसा बनना चाहता है, तू संभालेगा इस देश को। क्या यार, ये गरीबी गरीब लोग, सब चलता है यार।
चलता है? हजारों लाखों लोग बेरोजगार बिना पैसों के सड़कों पे घूम रहे हैं, ये चलता है? कितने ही लोग हादसों के शिकार होके मौत के मुंह में चले जाते हैं, ये चलता है? ऐसा नहीं चलता। मदर टेरेसा नहीं, लेकिन कुछ तो बन सकते हैं हम लोग। हमें रिवॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा। एंड यू कैन से इट्स अ रिवॉल्यूशन। शायद तू ठीक कह रहा है यार, हमें कुछ करना चाहिए। मेरा भाई सोशल वर्कर है और उसका जो दोस्त है वो जर्नलिस्ट है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। मैं उसे कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ रेन, कहाँ पे है? अच्छा, घर पे आ जा, तेरा कुछ काम है। और जो तुम्हारा दोस्त था ना जर्नलिस्ट, उसको भी साथ में ले आना, जरा कुछ बात करनी है। ठीक है, ओके। Hi guys, hello brother, how are you? I'm pretty happy now. Hi, how are you? Come sit. Oh yeah, मेरी क्या जरूरत पड़ेगी आप लोगों को? यार हम कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए तुमने बुलाया है? बताओ। बाकी रणवीर बताएगा, जो मेरे से मदद हो सकती है पूरी करूँगा। एक्चुअली आज मैं जब मैं आ रहा था तो मैंने कुछ चीजें देखी, वो चीजें बहुत बुरी तरीके से मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मैंने कुछ गरीब बच्चों को देखा, कुछ बेचारे लोगों को सड़कों पे सो रहे थे, रहने के लिए घर नहीं है उनके पास, उनको देखा कितने हादसे हो जाते हैं उन लोगों के साथ। ऐसे बहुत सारे लोगों की परेशानियां सुनी जिनके पास काम नहीं है, कमाई नहीं है और उनकी फैमिली एकदम बिखरी पड़ी है। तो मैं सोच रहा था कि हम एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आए जिससे कि हम लोगों की कुछ मदद कर सकें, उनको एक नया मार्गदर्शन दे सकें। तो मेरे को रौनित ने बताया कि मेरा भाई सोशल वर्कर है, ही द जर्नलिस्ट, तो इस पे तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो। इसी चीज के लिए तो मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया था। मैं आपको घर घर तक पहुंचा सकता हूँ। और उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कुछ स्कूल कॉलेजेस में जाके, जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे जाके उन बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, जो जो हम अपनी तरफ से अपने घर से दे सकते हैं या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। भैया मेरे भाई को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। भैया वहाँ पे एक्सीडेंट है भैया, दर्द हो रहा है भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया। भैया
हेलो आर्यन, कहाँ पहुंचा तू? तुम जल्दी यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, दो मिनट में पहुंच। सुन, मैंने यार कल ना एक ऑर्फनेज में बात करी है, तो उसके स्कूल में एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं कल। अच्छा, कल? तो रणवीर भैया की इशू का मैंने उनसे बात करी है, तो कल वो हमें वहाँ पे मिलके हेल्प कर सकते हैं अपनी इशू से लेके। तो कल उनको लेके हम वहाँ चलते हैं, तो तुम उनको इन्फॉर्म कर दे, ठीक है? हाँ, तो कल चलते हैं, ठीक है? मैं उनको इन्फॉर्म करवा देता हूँ। चल, ओके भाई। अरे वो फरहान का फोन आया था अभी। अच्छा, तो वो ये कह रहा है कि उसका उसने एक बात करी है, एक एजुकेशनल मिनिस्टर है, कल एक एनजीओ में आ रहे हैं, ऑर्फनेज हॉल, ऑर्फनेज में आएंगे, तो वहाँ पे उनका स्कूल के उनसे रिलेटेड कुछ आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे मीटिंग फिक्स करवा दी है, और रणवीर भैया वो फोन करके बता दो, कल एक बार वहाँ पे उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, रणवीर को बात करता हूँ। हेलो आरोन, क्या हाल? अच्छा, मेरी ना फरहान से बात हुई। अच्छा, तो फरहान ने कल मीटिंग करवाई है ऑर्फनेज के स्कूल में। कल वहाँ पे एजुकेशनल मिनिस्टर आ रहे हैं, और उसने हमारी मीटिंग फिक्स है, तो अपना सारी जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, सब चीज़ें हैं, उसको हम उनसे डिस्कस करेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। मेरी भी परसों एक मंत्री जी से मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे तुम भी चलना साथ में, तो अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे अपना मिलके चलेंगे और बात करते हैं। फिर को भी बता दियो। चल ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। सर, हम आपके पास बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं, हम ये चाहते हैं कि बस ये स्कूल पक्का बन जाए, हमें बस आपका सहयोग चाहिए, आप अपना हाथ रख दीजिए हमारे ऊपर, बस ये स्कूल पक्का बन जाए। फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, सदैव आपके साथ हूँ, मेरी तरफ से आपको पूरा समर्थन मिलेगा, हमारी तरफ से आपकी इस मुहिम को पूरा सहयोग मिलेगा। आपके इस आंदोलन के बाद मैंने भी गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, बस मैं ये चाहता हूँ ये स्कूल पक्का हो जाए और बच्चों को अच्छा स्कूल मिले। वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रणवीर, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, ये चेक हम सबकी तरफ से आपकी संस्था के लिए। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं, आप स्कूल को पक्का बनवाइए। और यही हमारा मोटो है। अरे विक्रम जी, हाउ आर यू ब्रदर? अरे कैसे है तू, इतने टाइम बाद? इतने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे, इतनी चीजें मांग रहे, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बाहर से आया, मैं कोई एलियन हूं यार। मैं इसी सिलसिले में काम से जा रहा हूँ, और रात को 10 बजे मिलता हूँ मैं तेरे को। रात को 10 बजे मेरे को आज पक्का मिलना, तेरी प्रॉब्लम का पक्का अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ। अच्छा, इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं होती। चल, सी यू। डोंट वरी ब्रदर, आई एम विद यू। हां, अच्छा। हां जी, बोलिए। मेरा नाम रणवीर है, मेरा सर से अपॉइंटमेंट था, तो मैं को मीटिंग करनी है, उसे मिलना है। हमने सर से अपॉइंटमेंट ली है। हां ठीक है, आप बैठिए, मैं पूछ के आता हूं। थैंक्स सर आपके इंपॉर्टेंट टाइम के लिए। कल सर मैं अपने घर से निकला, तो मैंने एक हिंदुस्तान का एक अलग ही चेहरा देखा। मैंने अपने चारों तरफ गरीबी, भूख और नंगापन देखा। सर, हमारे देश में बच्चे जरा जरा सी उम्र में, जब उनको पढ़ना चाहिए, अच्छे दिन देखने चाहिए, सर उस उम्र में उनको भीख मांगनी पड़ती है। सर, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि अच्छे अच्छे फैमिलीज के लोग
बेरोजगार हो गए हैं। सर लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जानवरों के साथ फुटपाथ पे सोते हैं, कब उन पे कौन सी गाड़ी चढ़ जाए उनको पता ही नहीं होता। सर ये चीज जो आप हमें बता रहे हैं ये हमें पता है, सब पता है, पर हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब आप क्या सोच के और क्या विचार करके किस सोच में है? फॉरेन के अंदर सर लोगों को घर मिलते हैं रहने के लिए, फ्री एजुकेशन मिलती है, गवर्नमेंट उनको पूरी फैसिलिटीज देती है, लेकिन हमारे देश में सर इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं। क्या सोच क्या है, मतलब क्या थीम है, या मतलब आपका क्या मुद्दा क्या है, किस थीम पे आप काम करना चाह रहे हैं, कैसे इंडिया में कर सकते हैं? सर हमने एक प्लान बनाया है कि हम एक एनजीओ खोलें, वो एनजीओ हमारा रेवेन्यू जनरेट करेगा गरीब लोगों के लिए, ऑर्फनेजेस के लिए और इस तरीके की कई सारी संस्थाओं के लिए। तो रणवीर जी आपको पता होगा यहां पर बहुत से एनजीओ चल रहे हैं। राइट सर, वो लोग भी रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं। या एब्सोल्युटली राइट, और वो उसको चाहे वो आम आदमी हो, पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, गरीब आदमी हो, जिसके अंदर ये पूरा ब्यौरा होगा कि हम किस वक्त क्या क्या फंड किसको दे रहे हैं और पूरा उसके खर्चे का पूरा उसमें ट्रैक रिकॉर्ड होगा। जहाँ मुझे लगता है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है और जेन्युइन हो रहा है, मैं कभी पीछे नहीं हटता। जैसा कि सर आप जानते होंगे, इनके डायरेक्ट के बारे में सुना होगा, शहर के इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, पैसा कमाने के लिए इनको ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने जैसे न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा तो आजकल पूरा आ रहा है, सबकी प्रॉब्लम्स हम पूरी दुनिया तक शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। नमस्कार, परसों तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने कई आंदोलन देखे होंगे जैसे अन्ना हजारे आंदोलन, जाट आरक्षण, लेकिन दिल्ली से एक ऐसी खबर आ रही है जो आप लोगों में एक जागरूकता पैदा कर देगी। चार अमीर व्यापारी के बच्चे जो आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि वो गरीबों की मदद करने उतरे हैं, वो गरीबों को उनके खाने से लेके पढ़ाई तक, पहनावे से लेके स्वास्थ्य तक हर चीज उनको दिलाना चाहते हैं। आज हम आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसको देख के आप भावुक हो जाएंगे और आप में एक जागरूकता पैदा होगी कि हाँ, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा।